नमस्कार, बिग स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपसे आपका कीमती वक्त जो है वो 5-6 मिनट लेने वाले हैं। उस वक्त को लेने के साथ साथ हम बिहार की राजनीति के आने वाले भविष्य की बहुत सारी ऐसी योजनाओं और रणनीतियों का जो हम तक सूत्रों के माध्यम से आई हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी चर्चा है और अक्सर इन्हीं चर्चाओं को लेकर के संबंधों में दरार आते हैं जो गठबंधन के साथी होते हैं। जो सरकार अभी हाल फिलहाल में बनी है उसके ठीक पहले एनडीए की सरकार थी और एनडीए के सरकार में जो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा था वो ये था कि नीतीश कुमार अपने अनुसार अधिकारियों को यूज करते हैं और जो विभाग किसी अन्य दल के पास भी है उस पर भी उनकी निगरानी रहती है और मॉनिटरिंग करा करके उन अधिकारियों से मंत्रियों के आदेश जो हैं उसे निरस्त करा देते हैं या फिर वो काम रुकवा देते हैं। ऐसा आरोप नीतीश कुमार पर लगता रहा है, लेकिन आपको पता है कि जिस जगह अब नीतीश कुमार हैं वहां से उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी अपनी पुरानी रणनीतियों और योजनाओं पर आगे बढ़ने की। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2005 से लेकर अब तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे हैं, सुशासन बाबू का नाम उनको मिलता रहा है, उसके ठीक पहले इस बिहार में लालू प्रसाद का शासन हुआ करता था। और जब 90 के दशक में नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग हुए थे तो उन्होंने एक आरोप लगाया था। वो आरोप ये था कि लालू प्रसाद अपने हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं और खास करके एक जाति विशेष को वो मुख्य जगहों पर रखते हैं। ये बात आपने सुनी होगी, हमने भी कई बार आपको ये बात बताई है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो आज वर्तमान में हैं उससे पहले की कड़ियों को अगर जोड़ें तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बहुत करीबी हुआ करते थे और यही वो कारण था अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में संबंध विच्छेद हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार उनके अध्यक्षता के कार्यकाल में जदयू 43 पर आई है तो अब ललन सिंह के कार्यकाल में जनता दल यूनाइटेड को एक नंबर की पार्टी देश में और बिहार में भी बनाना है, जिसको लेकर इस कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पे रही है, लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति है और हमने आपको खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद इस अवस्था इस स्थिति में भी पटना आए हैं तो उसके पीछे बड़ा कारण है। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने यह बात इशारों में क्या खुल करके कह दिया है कि अब आने वाले उत्तराधिकारी जो उनके होंगे वो तेजस्वी यादव है, तो तेजस्वी यादव उनके जब उत्तराधिकारी बनेंगे तो वो अपने हिसाब से अपने लिए जमीन भी बनाएंगे जिस पर वो एक बड़ा मकान खड़ा कर सकें, जिस तरह से उनके पिता और चाचा ने खड़ी की, यानी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने खड़ी की। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को पहले ही चेतावनी दे दी है कि अब इन्हें उन्हें मत करी हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अब तेजस्वी यादव के लिए पूरी तरह से उस जमीन की तैयारी शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव एक्शन में भी हैं। तेजस्वी समर्थकों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों के संयुक्त राजनीतिक गुण को जानने वाले नेता हैं जो अक्सर आपको देखने को मिला होगा। तो निश्चित रूप से पहले वो आजमाएंगे लालू प्रसाद जो कि 15 साल बिहार के सत्ता पर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने चलाया है, पहले उसकी शुरुआत करेंगे, तब नीतीश वाला फॉर्मूला लागू होगा। जब लालू प्रसाद का फॉर्मूला लागू करेंगे तो नीतीश कुमार के नवरत्नों का क्या होगा ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनकी या तो लंबे समय से रहने के बाद हो या फिर जो आरोप लगते हैं उसके आधार पर हो कि नीतीश कुमार के ये नवरत्न नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और नीतीश कुमार की रणनीतियों को पूरी तरह से लागू करते हैं। अब तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नीतीश कुमार के अधिकारियों के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं। आपने तेज प्रताप यादव को देखा होगा, उन्होंने पद संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है और उस एक्शन में अधिकारी उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा रहने के लिए मजबूर है। यहां तक कि खबरें यह भी आई मीडिया में लगातार चल रही है कि तेजस्वी यादव अपने बहनोई को लेकर के पहुंचते हैं मीटिंग में,
तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसको लेकर के, हालांकि हम इस बात इन सब बातों से बिल्कुल अलग हैं, हमारा विशुद्ध राजनीतिक जो विश्लेषण होता है हम वो करते हैं। और बिहार के राजनीति में आपको पता है कि 2020 में जब सरकार बनी थी तभी हमने इसके एक्सपायरी डेट का समय बता दिया था कि 24 महीने से कम में ये सरकार एक्सपायर कर जाएगी। आज भले ही अलग अलग चैनल दावा करते हों लेकिन हमें इस खबर को चलाने के लिए बहुत सारे दंश झेलने पड़े। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, जदयू के लोग हैं, वो हमें गालियां तक दिया करते थे कि बहुत बड़ा पंडित बने हुए हैं। जी पंडित नहीं, हम राजनीति को समझने का कोशिश करते हैं और जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज होते हैं, जिस तरह के व्यवहार होते हैं, उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं कि उन तथ्यों के तह तक जाएं। ये बात हमने शुरू में बता दिया था कि न तो भारतीय जनता पार्टी खुश थी नीतीश कुमार से और न नीतीश कुमार भरोसे के काबिल थे भारतीय जनता पार्टी के। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यह संशय बना रहता था कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें समाप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में आप एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार के नवरत्न जो हैं उन पर सीधी सीधी नजर तेजस्वी यादव की है और लालू प्रसाद बैठ करके ये पूरा प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे, किसे, कहां और कब भेजना है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि हमने पहले खबरों में आपको बताया था कि सिर्फ तेजस्वी यादव की नजर नहीं है, नीतीश के नवरत्नों पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए उन नवरत्नों पर कार्रवाई करना शुरू करेगी जिससे कि नीतीश कुमार से उनका संबंध विच्छेद हो जाए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी यह भी चाहती है कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चले क्योंकि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन दो तरफी बातें अगर हो रही हैं और दो तरफ से नीतीश कुमार के उन अधिकारियों पर दबिश बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार के हाथ में सुनने का सुनने आना है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब उनके साथ नहीं है, विरोध में है, वहीं तेजस्वी यादव उनके साथ में रह करके अब इस योजना पर काम शुरू कर चुके हैं और यह योजना लालू प्रसाद की है। जैसा कि हमने पहले बताया कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार से पहले बिहार की सत्ता पर काबिज हुए हैं और उन्हें पता है कि अधिकारियों को किस तरह से प्रयोग करना है। नीतीश कुमार दुलार पुचकार कर रखते हैं और लालू प्रसाद डरा करके रखते थे और यह शैली निश्चित रूप से दोनों की शैली जो है वो तेजस्वी यादव में है। आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं बिहार के, उन आंकड़ों में आपके इस बिहार में 9 कमिश्नरी है, जिस कमिश्नरी के कमिश्नर अभी भी नीतीश कुमार के अनुसार बनाए गए हैं। इस पर सबसे पहली नजर है कि 9 कमिश्नरियों में अपने अनुसार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद अधिकारियों को पदस्थापित करें, इसकी योजना पूरी तरह से काम करनी शुरू हो चुकी है। 38 जिले हैं जिसके कप्तान और वहां के जिलाधिकारी अभी भी नीतीश कुमार के अनुसार हैं, जिसे बदलने की कवायद और इसकी सुगबुगाहट पूरा लिस्ट बनना तैयार हो गया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे ये भी बातें कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार दबाव में है और तेजस्वी यादव का हाथ ऊपर है। तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार को सम्मान दे रहे हैं उसमें उन सम्मान के बदले में उन्हें क्या चाहिए ये नीतीश कुमार भी समझना शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में 38 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के बदलने की कार्रवाई भी अब धीरे धीरे शुरू होगी क्योंकि एक लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके जिलाधिकारी हों या उनके पुलिस कप्तान हो उन्हें परेशान करते हैं और नीतीश कुमार की बात मानते हैं। जब सरकार बनी है तो अपने अनुसार सारी चीज़ें चेंज होंगी। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कि किस तरह से BDO और CO को लेकर के भी अक्सर चर्चाएं होती हैं और कहा जाता है कि लाभ के पद पर इनको भेजा जाता है और इसके बदले में सरकार इनसे सेवाएं लेती है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल। और इसमें बड़े कहा जाता है कि अनियमितता का, बड़े राशि का खेल चलता है। लेकिन खैर, इन सारी बातों को लेकर के राजनीति भी करनी है, पार्टी भी चलानी है, अगला चुनाव भी लड़ना है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता और अधिकारियों को ठीक करना होगा, उन्हें उनके मन मुताबिक माहौल देना होगा। और ये माहौल अगर तेजस्वी यादव नहीं देते हैं तो सत्ता में रहने का दंश उन्हें झेलना पड़ेगा।
विपक्ष में रह करके आप जनता के प्रिय तो होते हैं क्योंकि आपके पास सत्ता नहीं होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद चैलेंजेस आपके बढ़ जाते हैं और उन चैलेंजेस के तहत आप अपने पदाधिकारियों के, अपने ऑफिस बेयरर के, अपने कार्यकर्ता, अपने सुशिक्षकों के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और ये बात तेजस्वी यादव लालू प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो वर्तमान बिहार की राजनीति है, उस राजनीति में कहा जा रहा है कि सभी जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, या जिले के हों, प्रखंड के हों, अनुमंडल के हों, या फिर पंचायत स्तर के हों, इन सब पर लिस्ट मंगाया जा रहा है और लालू प्रसाद बैठ करके राबड़ी आवास में उस लिस्ट पर गहन मंथन कर रहे हैं और इस बात की जांच पड़ताल हो रही है कि कौन से अधिकारी उनके अनुसार काम करेंगे, उनके जाति से हैं, और जातीय समीकरण बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। आज नीतीश कुमार पर अपनी ही जाति, अपने समाज के लोगों को अधिक प्रश्रय देने की बात की जाती है और बिहार के डीएम से लेकर के अन्य अधिकारियों तक की बात की जाती है। इसमें आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं उन पर सबसे पहला गाज गिरने वाला है दोनों ही तरफ से। पहला तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए ऐसे अधिकारियों को पर दबिश बनाएगी या उन्हें बदलने का प्रयास करेगी। वहीं आपको बता दें कि अब इस पर कई तरह की बातें राष्ट्रीय जनता दल भी करने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने पहले भी नीतीश कुमार के इन 9-10 अधिकारियों पर हमला किया है। आनंद किशोर जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाते हैं, अमीर सुभानी जो सबसे ज़्यादा उनके साथ लंबा समय बिताए हैं, इन सब पर आरोप है। चंचल कुमार हों, प्रत्यय अमृत हों, या फिर अन्य संजय कुमार हों, गोपाल सिंह हों, अमृत लाल मीना हों, संजय अग्रवाल हों, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने टारगेट किया है और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पर उनका आरोप है कि ये ज्यादती करते हैं, नीतीश कुमार के इशारे पर लोगों को परेशान करते हैं। इन सब लोगों पर तेजस्वी यादव की नजर है और नीतीश के इन नवरत्नों के साथ साथ 38 जिले और 9 अनुमंडल के अधिकारियों को बदलने की पूरी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यह मामला यहीं तक नहीं रुकेगा, ये मामला 101 अनुमंडल और 534 प्रखंडों तक भी जाएगा, क्योंकि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के अनुसार नहीं चलते हैं तो समस्या बड़ी हो जाएगी। अब देखना होगा कि इस युद्ध में नीतीश कुमार को दोतरफा घिराव करने में तेजस्वी यादव सफल होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी, अगर तेजस्वी यादव भी सफल होते हैं तो भी मुश्किल होगी, लेकिन तेजस्वी यादव के सफल होने में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं 2024 में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दिख रही है। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार का सारा राजपाट तेजस्वी यादव कैसे समेट करके अपने हाथ में लेते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और उन अधिकारियों पर क्या कुछ होता है, कैसे उन अधिकारियों के साथ निपटते हैं दोनों, ये भी एक बड़ी बात होगी। इस खबर को सुनने और समझने के बाद, देखने के बाद, हम आप चाहेंगे कि आप अपने विचार जरूर दें, क्योंकि इस खबर के माध्यम से जो हमने कोशिश की आपको बताने का, उसका सीधा असर आप पर भी पड़ना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरुवा बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।